जी अस्सलाम वालेकुम, एडमर नावा बात कर रहा हूँ। हम अभी एक जगह पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो चीज़ हमें सामने नज़र आई है, मैं बहुत हैरान हूँ। और मैं 15 मिनट हो गए हैं, मैं सोच रहा था कि किस तरह वॉइस करूँ। और मैं कंफर्मेशन के लिए अभी दुबई भी रब्ता कर रहा था राजा साहब से, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। तो जो चीज़ें सामने आई हैं, बड़ी हैरान कन चीज़ें सामने आई हैं। और ये चीज़ें जो यहाँ पे सबमिट हुई हैं एक बड़े इदारे के अंदर, और इन चीज़ों में बहुत सारे नाम, बहुत सारे एविडेंस सैफुररहमान खान नियाजी के ख़िलाफ़ जमा हो चुके हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल की गई हैं कि जिनको सुनकर हम भी हैरान हुए हैं। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम हमारा जो है हो चुका है। तो अभी तक मैं जो ख़ुद समझ नहीं आ रही थी कि चीज़ मैं कैसे शेयर करूं और लोग कैसे इस पे बिलीव करेंगे। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि ग्रुपों के अंदर बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अमली काम कोई कोई करता है। तो हम सबका मुतालबा था कि राजा साहब पाकिस्तान में आए, और ये जो अभी कार्रवाई हमें पता चली है, अगर ये इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने वहाँ पे बैठ के डाली है, अपनी लीगल टीम के थ्रू डाली है, या खुद आके डाली है, यह अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि उनसे रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी फाइल जो है वो जमा करवाई गई है, और USB भी है साथ, और डाटा भी बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो उसमें शामिल है। और ये चीज़ जो है मुझे ऑथेंटिक पता चली है, और एक बड़े इदारे के एक बड़े अफसर ने ही मुझे बताई है। और इसकी कन्फर्मेशन जो है वो अब राजा साहब खुद करेंगे कि आया कि ऐसा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और कैशवर्थ फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो हमें 29-30 तारीख को नज़र आएगा। और एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो फिज़िकली तौर पे आपको नज़र आएगी, वो इंशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत 28 तारीख को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पहुंच रही है। और वो फिज़िकली तौर पे भी आपको एक इंशाल्लाह बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो एक बड़े लीडर ही आपको देंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी हैरान कन हुई हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ। और कैशवत फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ें की तस्दीक हो जाती है आज की डेट में, जो कि हमें हो चुकी है किसी इदारे के शख्स से, अगर ये तस्दीक वहाँ से भी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है। क्योंकि इसमें काफ़ी नाम ऐसे मुझे बताए गए हैं वहाँ पे कि उसमें शामिल हैं, जो जो किरदार इसमें शामिल हैं, और जिस जिस वे से ये सारा काम हुआ है। तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है, और बहुत एविडेंस है, बहुत पावरफुल जो है एक फाइल तैयार की गई है जो वहाँ पे सबमिट हो चुकी है। तो इसलिए हम जो है जितना शुक्र अदा करना चाहिए हमें अपने रब ताला का करना चाहिए, और जो जो दोस्त इसमें सच्चे दिल के साथ सच्ची नीयत के साथ लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी कोई लगा हुआ है, अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाब करे। और इस फ्राडिये को अपना जो कानून है वो इसके मुताबिक इसको सज़ा दे, और इसको यहाँ भी सज़ा होगी इंशाल्लाह, और आखरत में भी ये भुगतेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 28-29 को आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।